हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां से देखो 8 प्रश्न आपके बनने वाले हैं कॉमन पेपर में, और 1 to 5 वाले के लिए अलग से क्वेश्चन बनेंगे, जिनका SST पेपर है 6 to 8 में, 9, 10 में, वहां से भी आपको बहुत सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग शुरू करेंगे, और मैं आपको आज की क्लास खत्म होते होते इतनी एश्योरिटी देता हूं कि 8 मार्क्स आपके यहां से जरूर आ जाएंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में जब मैं जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती थी। सीधा आंसर मैं बता देता हूं, 1885। ये तो बोलोगे मुझे भी आता था, लेकिन जो चीजें एक्स्ट्रा है वो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, अब वहां पर आपको तो समस्या आएगी। सबसे पहले पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और नोट डाउन करते जाइएगा। इसका जो पुराना नाम था ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखो एक जीके आपको मिला, पहली बात तो एक जीके आपको यहां से मिल चुका है। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम हुआ करता था। तो भाई नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, तो इसे किसने सजेशन दिया कि भाई इसका नाम बदल कर रखा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम क्या था, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने कहा कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। किसने कहा था? दादा भाई नरोजी ने। चलिए ये तो आपको इतनी दो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी। अब इसके गठन के समय जो है सचिव कौन थे, एक्चुअली इसे फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप बोल सकते हो, उनका नाम है ए ओ ह्यूम। ये भी आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 21 वर्षों तक ये कांग्रेस के क्या रहे थे, सचिव रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में इनको जो है एक अधिवेशन में, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, गाली ग्लॉस किया गया, तो फिर इन्होंने जो है इस्तीफा देकर वापस ये चले गए। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में आ सकता है। कांग्रेस किसे कहते हैं? तो देखिए कांग्रेस कहा जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के समूह को, व्यक्तियों के समूह को जो है कांग्रेस कहा जाता है। देखो क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे चीजों को उठाया जाता है, तो इनको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है कांग्रेस को कहा जाता है। यहां तक सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो लगे हाथ एक आसान वाला प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए WC बनर्जी इनका नाम था। ठीक है, WC बनर्जी ये क्या थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यहां तक सारी बातें हो गई। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो देखिए ये पहले गोवा, ये जो है पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में। लेकिन वहां पे प्लेग फैलने की वजह से जो है इसे क्या कर दिया गया, इसका जो है स्थानांतरण कर दिया गया कहां पर, बॉम्बे में, कि अब ये जो होगा वो बॉम्बे में होगा। तो याद रखिएगा पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1885 में हुआ था, कहां पर, तो बॉम्बे में हुआ था। और उस जगह का नाम आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग पूरे लॉन्ग में लिख लेना नोटबुक में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास ये भी जो है याद रखना है, गोकुल दास मैं इसे टी लिख दूंगा, तेजपाल, इसके बाद जो है संस्कृत महाविद्यालय, या फिर आप इसे कॉलेज भी लिख सकते हो। कहां पर हुआ था ये, बॉम्बे में हुआ था। यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन करी थी, तो याद रखिएगा 72 लोगों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। कितने लोगों ने, 72 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। एक और बात याद रखना है, आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4 के लिए जा रहे हो तो एक बात याद रखना है, बिहार से क्वेश्चन बनेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष, जो एक मिनट मैं इसे सारे को रब कर देता हूं। देखो 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, बिहार से कितने लोग शामिल हुए थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा बिहार से यहां पे एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुए थे, 0 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और बिहार से पहली बार कितने लोग शामिल हुए, अदर जगहों से कितने लोग, कितने मुस्लिम नेता यहाँ पे शामिल हुए, कितनी महिलाएं शामिल हुई, अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, आपसे छोटी छोटी बातें जो है पूछ लेना चाहता हूँ, नीचे कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए ये रहा, आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहला सवाल है मेरा। चंपारण सत्याग्रह जो है किसके बुलावे पे गांधी जी बिहार आए थे, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, उसके मुख्य जो अभियुक्त हैं या फिर जिन पे आरोप लगाया गया था उनका नाम आपको बताना है। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि पटना में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहला विद्रोह
कहां पर हुआ था, बिहार में, चलो बता दो आप, पटना में भी बता सकते हो, दोनों क्वेश्चन का जो है आप जवाब देना, पटना में और बिहार में किसने किया था। चौथा सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के और से जो है सबसे प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे जिन्होंने जो है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक्चुअली कराने दिए, पूछ लिया आपसे, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन कर दिया था, 72 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी, आंसर आपका सी हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में इतने आसानी से अगर पूछ लिया जाए तो फिर सबका ही भला हो जाए और सभी मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है किस प्रांत से आए थे, तो याद रखिएगा बॉम्बे प्रांत जो हुआ करता जहां पे अधिवेशन हुआ था, ऑब्वियस सी बात है वहां से सबसे अधिक व्यक्ति जो कि 38 व्यक्ति यहां पे पहुंचे थे। दूसरे नंबर पे कौन था भाई, दूसरे नंबर पे था मद्रास, दूसरे नंबर पे कौन था मद्रास, आप हिंदी में भी लिख लेना, मद्रास से टोटल यहां पे व्यक्ति पहुंचे थे 21। संयुक्त प्रांत से जो है यहाँ पे, संयुक्त प्रांत मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह कम है, संयुक्त प्रांत से 7 व्यक्तियों का यहाँ पे जो है समूह पहुंचा था। पंजाब से कितने लोग पहुंचे थे, तो याद रखिएगा पंजाब से यहां पे जो है टोटल, एक मिनट ये रहा, पंजाब से यहां पे टोटल 3 लोग यहां पे पहुंचे थे। पांचवा, अब यहां से देखो एक और क्वेश्चन बनेगा, टोटल 72 थे, 38, 21, 7, 3 और पांचवें नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा पांचवें नंबर पे यहां पे आपको बंगाल दिखेगा, यहां से भी टोटल 3 ही व्यक्ति यहां पे जो है पार्टिसिपेशन इन्होंने करी थी। कितने लोगों ने, 3 लोगों ने, तो अब ऐड कर लो 72 आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहां से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले महिला यहां पे टोटल कितने लोग, पहली बार जो है महिला शामिल हुई तो कितने महिलाओं ने पार्टिसिपेशन करी, तो याद रखिएगा 1889 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है महिला का पहली बार यहां पे पार्टिसिपेशन हुआ था, पहली बार यहां पे महिला आई थी। कितने लोग यहां पे पहुंचे थे, कितने महिलाएं, तो 6 महिलाएं, और ये महिलाएं खास करके जो बड़े बड़े प्रमुख नेता हुआ करते थे उनकी पत्नियां, उनकी बहनें यहां पे शामिल हुई थी। लेकिन एग्जाम देखो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट किया जाए तो 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन पहुंचे कितने लोग थे, 6 लोग, 6/10, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे कुछ और चीजों को यहां पे देखेंगे। तो देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 1886 ईस्वी में, 1886 में जो है यहाँ पे बिहार के 2 लोग आए थे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार के 2 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी, 2 लोग यहाँ पे बिहार के आए हुए थे पहली बार 1886 में, यानी कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 2 लोग शामिल हुए थे, कब, 1886 ईस्वी में। अब देखिए मुस्लिम पहली बार कब यहाँ पे शामिल हुए जो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मुस्लिम पहले ही अधिवेशन में शामिल हो चुके थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में, और यहाँ पे मुस्लिम जो है टोटल 2 लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के महासचिव कौन थे। देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, A.O. Hume। लेकिन एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता है एग्जामिनर, क्वेश्चन सेट करने वाला, तो A.O. Hume यहां पे नहीं देकर अगर बोल दिया जाए यहां पे एलन, देखो क्वेश्चन में ना कुछ भी आपको जो है पूछ दिया जा सकता है, कुछ भी, यानी कि देखो कुछ भी का मतलब सिलेबस के अंतर्गत, और सिलेबस बहुत बड़ा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा है, तो देखिए क्वेश्चन यहां से जो है बनता ही बनता है। ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था, देखो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, तो ये याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या था, ये कहां का रहने वाला था, तो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना जाया जा सकता है। अब देखिए कुछ और चीजों को देखें, ये कौन सा अधिकारी था, तो याद रखिएगा ये ICS अधिकारी था। किसके बारे में बात हो रही है, A.O. Hume के बारे में बात हो रही है, ये ICS ऑफिसर था, और किस कैडर का, तो बंगाल सिविल, एक मिनट में पूरा लिख देता हूं, बंगाल सिविल सेवा का ये अधिकारी था, इसवी भी बता दूं तो 1849, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का इसे पिता कहा जाता है, और कब ये जो है कांग्रेस का पिता A.O. Hume को कहा गया, तो 1912 के अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता जो है कहा गया, किसे कहा गया, A.O. Hume को कहा गया 1912 के अधिवेशन में। लगातार 21 वर्षों तक जो है A.O. Hume महासचिव के या फिर सचिव के पद पर रहा था, और इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, एक और जो है पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला
हर्मिट ऑफ शिमला जो है किसे कहा जाता है, तो एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसे पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट पेन पेपर पे आप जो है नोट डाउन करते जाइएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इसे, किसे, एओ ह्यूम को। और इसकी जीवनी किसने लिखी, बहुत गंदा हो गया, अब मैं लिख देता हूं, जीवनी जो है किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए जीवनी जो है विलियम बेडबर्न के द्वारा जो है इसकी जीवनी लिखी गई थी। किसकी जीवनी, एओ ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। और कांग्रेस का जो स्थापना है ये क्यों किया गया था, तो देखिए हिंदी वाले सुरक्षा कपट, ठीक है, या फिर इंग्लिश वाले जो है इसका पॉपुलर नाम यही है सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल के तहत जो है, सेफ्टी वॉल के तहत पे जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने की थी। तो एओ ह्यूम से जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने कर दिया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी कि ये दो अलग अलग भाग में विभाजित हो गया, बट गया, नरम दल और गरम दल में। अब आपसे पूछा गया कि किस आंदोलन के कारण ये विभाजन हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बायकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन के समय जो है दोनों अलग अलग हो गए। तो बहिष्कार आंदोलन हुआ कब था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 1907 में ये हुआ था। अब देखिए 1907 से आपने जो है किसी चीज को याद कर लिया होगा, और उसका नाम क्या है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है ये नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में जो है 1907 का अधिवेशन होने वाला नहीं था, ये होने वाला था नागपुर में। कहाँ पे ये होने वाला था, नागपुर में ये प्रस्तावित था, लेकिन आखिरी समय में से सूरत में जो है डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पे ये फाइनली हुआ। अब एग्जाम में जो है ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, नरम दल और गर्म दल जब अलग हो गए 1907 में, तो इस समय का कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा जो है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। रास बिहारी घोष, सॉरी बोस नहीं, घोष। घोष जो है ये शांति यानी कि नरम दल के नेता थे, यहाँ पे बोस आ जाएगा तो वो गरम दल के नेता थे। तो रास बिहारी घोष के द्वारा जो है ये काम किया गया था। आगे बढ़िए कुछ और चीजों को देखिए, तो 1906 में ये जो है प्रस्ताव, देखो एक्चुअली अफवाह ये फैल गई थी सब जगहों पे, 1906 में ही अफवाह फैल गई थी कि जो 1907 का अधिवेशन होगा वहां पर जो प्रस्ताव है, कुछ प्रस्ताव पहले से पारित किए गए हैं, वो रद्द कर दिया जाएगा। वो क्या क्या था, तो स्वराज को रद्द कर दिया जाएगा, देखिए बहुत बड़ी बात थी स्वराज उस समय, स्वदेशी का जो आंदोलन है मूवमेंट है उसे रद्द कर दिया जाएगा। देखो दो इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे रद्द करने की बात की जा रही थी। तीसरा पॉइंट क्या है भैया आपका, तीसरा पॉइंट है बहिष्कार को बंद कर दिया जाएगा, तो इससे भी लोग नाराज हो गए थे, बहिष्कार को ये अलग करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है बहिष्कार। और चौथा पॉइंट आप लोगों के लिए मैं यहां लिख देता हूं, चौथा पॉइंट जो है वो क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर जो है ये, एक्चुअली जो है हम लोग बाहर के लोगों की शिक्षा के बारे में क्यों पढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी जो है इन लोगों ने आवाज को मुखर किया था, लेकिन अफवाह उड़ गई कि ये सारे चीजों को रद्द कर दिया जाएगा। इससे लोगों में जो है थोड़ी सी जो है क्या हो गई, गरम दल के जो नेता थे वो बहुत ही उखड़ गए, गुस्से में आ गए। और पीछे से जब ये कांग्रेस का अधिवेशन 1907 हो रहा था, तो पीछे से किसी ने चप्पल चला दी, और ये फिरोज शाह, एक मिनट में लिख देता हूं, फिरोज शाह जो मेहता थे उनके ऊपर ये चप्पल जाकर लगती है, और ये चप्पल लगने के बाद जो है इस अधिवेशन को रद्द कर दिया जाता है। और फिर 1908 में अगला बार जो अधिवेशन होगा आपका वो 1908 में होगा, कहां पर, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये अधिवेशन होने वाला था 1908 में। और इस अधिवेशन में यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ नरम दल के लोगों को शामिल किया गया था, ठीक है, और गरम दल के लोगों को यहां पे इनविटेशन नहीं मिला था। तो इतने सारे प्रश्न हो गए, फिर से जाते जाते आंसर इसका मैं पहले बता देना चाहता हूं, ए इसका आंसर होगा, और ये 1907 कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ये सवाल है, 5 में, 1912 में, या फिर 1916 में। देखिए इसका मैं आंसर पहले आपको बता देता हूं, 1905 इसका सही जवाब होगा, 1905 आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहीं से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। गोपाल कृष्ण के गोखले के बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इनको महात्मा गांधी का जो है गुरु कहा जाता है, महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है। देखिए इन्होंने ही, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि आप जो है एक साल की यात्रा पूरे भारत में करें, भारत के लोगों को समझें, भारत की
जो जरूरतें हैं उसको समझें, क्या समस्याएं हैं उसको जानें, उसके बाद आप सॉल्यूशन करना, पहले आप भारत को पहचानिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को पहले घूमने की सलाह दी, भारत को भ्रमण करने की सलाह दी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और जीके है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी 1905 में ही जो है 1905 में जो है, देखिए एक और बात में एक सेकंड में लिख देता हूं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन की, तो 1905 के अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि 1905 में चलो ठीक है अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी, कहाँ करी, तो याद रखिएगा बनारस में। कहाँ पर करी है, बनारस में, ठीक है। एक और बात, 1905 में बनारस में करी और किसके विरोध में करी, तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में, याद रखिएगा ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें बंगाल के विभाजन का जो है विरोध किया गया, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया है, ये बात को आपको याद रख लेना है। कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे अभी इसमें जो कि बाकी है। इसमें स्वदेशी, याद रखिएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, स्वदेशी और या फिर वह लिख देता हूं बहिष्कार के प्रस्ताव को लाया गया, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको जलाया जाएगा, उनका होली जलाया जाएगा, उनको विरोध किया जाएगा और स्वदेशी चीजों के ऊपर जो है जोर दिया जाएगा। अब देखिए बंगाल विभाजन के बारे में हम लोगों ने बात करी अभी कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विभाजन का एग्जैक्ट डेट बताइए आप, तो होगा बंग बंग या फिर मैं बंग भंग लिख देता हूं, देखिए बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 में, याद रखिएगा 1905 में कब, 16 अक्टूबर को 1905 में जो है इसका विभाजन कर दिया गया था। यहां तक सारी बातें क्लियर है। कौन सा वायसराय था, एग्जाम में यह भी सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा वायसराय का नाम क्या था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो है नाम था, याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है आपसे। मैंने सारी बातें आपको यहां तक क्लियरली बता दी है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में यानी कि ठीक बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है, 1906 में किसने करी है अध्यक्षता, तो याद रखिएगा इनका नाम है दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नरोजी। नरोजी जी है, इन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। क्लियर है यहां तक सारी बातें। कुछ और चीजों को देखिए, दादा भाई नरोजी से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए दादा भाई नरोजी के बारे में, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 3 बार, 1986 में, याद रखना है आपको, और 1886 में, 1893 में और 1906 में, 3 बार। और याद रखिएगा CLC, कोलकाता लाहौर कोलकाता, कहाँ कहाँ पर की है, तो कोलकाता में, फिर लाहौर में और फिर कोलकाता में, ये आ गए CLC, इसका कोड नेम है, याद रख लीजिएगा। दादा भाई नरोजी को ओल्ड मैन भी बुलाया जाता है इंडिया का, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। यहां तक सारी बातें क्लियर है। दादा भाई नरोजी के बारे में एक और बात याद रखिएगा, इन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के बारे में लिखा है, याद रखिएगा इन्होंने जो बुक लिखी है पॉवर्टी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बुक के बारे में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, और याद रखिएगा एग्जाम में हूबहू इंग्लिश नाम ही पूछ लिए जाते हैं, तो इंग्लिश नाम को याद रखना जरूरी है। अन ब्रिटिश रूल जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक या फिर पुस्तक थी। धन कनिष्कासन के बारे में भी इन्होंने लिखा था, और ये प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था, कौन, दादा भाई नरोजी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, इसे नोट डाउन करते हैं हम लोग। फिर पूछा गया सूरत विभाजन, अभी मैंने आपको पढ़ाया है 1907 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था कर्जन के समय में, और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद यह किया गया था, ठीक है, 1912 में, एक्चुअली 11 में घोषणा की गई थी, 12 में लागू कर दिया गया था, तो 1912। अब देखो अगर आप इसे अरेंज करोगे सही क्रम में, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, तीसरा पहले नंबर पे आएगा, फिर 1907 यानी कि दूसरा, और फिर जो है आपका, एक सेकेंड, ये तीसरा, ये चौथा दिखेगा, और फिर ये आखिरी में, 3214 इसका जो है सही आंसर होगा, 3214 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े, और याद रखिए उससे पहले यहाँ पे मैंने एक चीज आपको दिखाया, क्या है, राजधानी का
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था। कब क्यों किया गया था? तो देखिए, हर बार जब भी क्राउन बदलता था तो शाही आयोजन होता था, भोज भात वगैरह का जो है आयोजन किया जाता था, शाही आयोजन किया जाता था। तो देखिए, तीन बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब कब? 1877 में पहली बार। दूसरी बार कब हुआ था? तो 1903 में जो है इसका दूसरी बार किया गया दिल्ली दरबार का आयोजन, और 1911 में तीसरी बार। 1877 में वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा नाम इसका लिटन, पहली बार में लिटन। दूसरी बार में किसने? तो कर्जन ने किया था। और आखिरी बार या फिर 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये किया गया था, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये जो है किया गया था, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसी में जो है घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा, इसे जो है रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़ा, फाइनली नहीं जुड़ा? तो देखिए, वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। देखिए, आप इंटरनेट पे पढ़ते होंगे कि वीडी सावरकर जो है कायर थे, माफी वीर थे, माफीनामा इन्होंने मांगा अंग्रेजों से। तो याद रखिए, कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया था। ये भी सच है कि इन्होंने माफी मांगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जो है काले पानी की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं था। तो ये काले पानी की सजा इन्होंने पाई, कई बार अंग्रेजों से ये छूटकर भागने की इन्होंने कोशिश करी, जब जहाज में इनको पकड़ा गया था तो ये पानी में कूद गए थे। तो वीडी सावरकर भारतीय थे, और ये जो है इनका मानना था, इन्होंने मित्र मेला की भी जो है स्थापना करी थी। तो ये बहुत, और 1857 के क्रांति को पहली बार रिकॉग्नाइज करने के लिए, और द सिपाही म्यूटनी इन्होंने ही लिखी थी वीडी सावरकर ने। तो ये एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े थे। देखिए, हर सिक्के का कोई ना कोई पहलू होता है। वीडी सावरकर की कुछ बुराइयां भी थी, अच्छाइयां भी थी। तो अच्छाइयों के बारे में जान लीजिए फिलहाल, बुराइयों के बारे में आप तो इंटरनेट पे पढ़ ही चुके होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सैंडर्स की हत्या देखिए किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और सैंडर्स की हत्या क्यों की थी भगत सिंह ने? क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट कर मारा था सैंडर्स ने। तो लाला लाजपत राय के बारे में यह भी जान लीजिए, शेरे पंजाब इनको कहा जाता है, कुछ और चीजों को याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल ने इनके द्वारा जो है 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में किया गया था। क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे? तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में इन्होंने जो है मौलिक अधिकार के बारे में यहां पर बात की गई थी। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था, और पहली बार तिरंगा झंडा यहां पे फहराया गया, जहां पे बीच में जो है चरखा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्र का मतलब कहने का एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, कौन है? नहीं था, ये जो नहीं है नॉट वाला वर्ड जो है आपको याद रखना है। तो देखिए, दादा भाई नरोजी, सीएलसी मैंने आपको पढ़ाया था पहले, सीएलसी मतलब कोलकाता, लाहौर और कोलकाता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता इन्होंने करी थी। कब कब करी थी? पहला 1886 में, दूसरा 1893 में, और आखिरी बार जो है 1906 में इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। किसने? दादा भाई नरोजी ने। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब दादा भाई नरोजी के बारे में आपने पढ़ लिया, और देखिए ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की उसी दिन ठीक जो है बाल ये जो तिलक जी हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे भी आप याद रख सकते हो। और बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने वाले व्यक्ति थे, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फिलहाल उग्र नेता कौन नहीं थे? तो देखिए, बाल, लाल, पाल, बाल या लाल या फिर पाल, और ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो दादा भाई नरोजी क्या थे? ये नरमपंथी नेता थे। याद रखिएगा, डी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारत के ग्रैंड ओल्डमैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्डमैन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दादा भाई नरोजी इनका सही आंसर होगा। दादा भाई नरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अब आपसे यहां पे मैन ना पूछ करके वुमेन पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे? वुमेन पूछ दिया जाए तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरुणा आसफ अली जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन जो है अरुणा आसफ अली थी। यहां तक क्लियर है? देखिए, एक और नाम है यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ लिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, सर सैयद अहमद खां। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के कभी भी जो है ये
कांग्रेस में शामिल नहीं थे ये व्यक्ति, याद रखना है आपको। और ये अमीन का काम किया करते थे और अंग्रेजों के ये चमचे थे, अंग्रेजों के ये चमचे हुआ करते थे, अंग्रेजों की तरफदारी ये किया करते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब फिलहाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? तो देखिए इसका जवाब आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद जो है गर्म दल और नरम दल के बीच में, 1907 में एक्चुअली कांग्रेस का अधिवेशन में हुआ था, लेकिन 1906 के समय ही जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्म पंथियों के प्रभाव में आ गया। क्यों हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, उदारवादियों की आलोचना की गई कि आप लोग जो है अनुनय विनय करते हो, इस वजह से जो है यहां पे चीजें देखने को मिली। तो इसका जो देखिए एक्चुअली ये 3P का जो है इन्होंने पालन करना बंद कर दिया, किसने? गर्मपंथियों ने। 3P का मतलब प्रेयर, पी से प्रेयर हो गया, दूसरा हो गया पिटीशन और प्रोटेस्ट, यानी कि इन्होंने कहा कि ना हम प्रार्थना करेंगे ना याचना करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अंग्रेजों को मारेंगे, हिंसा करेंगे, ये बात थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा अनुनय विनय की राजनीति करने से ये जो है परहेज किया करते थे। 1906 में जो है, एक और बात याद रखना, ये तो आंसर है ही आपका, 1906 में ही मुस्लिम लीग का जो है गठन किया जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है, ये भी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए बड़ा ही प्यारा सा और इजी सा सवाल है ये, इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, 1908 में जिस व्यक्ति को 6 वर्ष की कारावास हुई और उस उग्रवादी नेता को जो है मांडले जेल भेजा गया, जो कि कहां पर है, मांडले जेल जो है आपको बर्मा में मिलेगा, कहां मिलेगा, बर्मा में, जो कि बर्मा आज के समय में क्या है, म्यांमार है, यहां पे इनको भेज दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक को जो है इस जेल में भेजा गया था। मराठा और केसरी में, देखिए ये नाम याद रखिएगा, मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र ये जो है चलाते थे, और समाचार पत्र चलाने की वजह से याद रखिएगा मराठा जो था इनका इंग्लिश में निकलता था और केसरी जो है ये मराठा में निकलता था, और दोनों में ही इन्होंने जो है लेख लिखे, जिसके वजह से इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों के द्वारा किया गया और मांडले जेल कहां पर भेज दिया गया था, मांडले, जो कि कहां पर है, बर्मा में, और अभी के समय में म्यांमार में है, वहां पर इनको भेज दिया गया था। तो 6 वर्ष की कारावास 1908 में बाल गंगाधर तिलक को दी गई, डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कुछ और चीजों को अगर आप यहां से देखोगे तो देखिए लाला लाजपत राय विदेश चले गए थे, याद रखिएगा लाला लाजपत राय विदेश चले गए थे कुछ समय के लिए। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जो कि अरविंद घोष, इनका नाम आपने सुना होगा। तो देखिए इनको अंग्रेजों ने जो है अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार कर लिया था, कहां पर, अलीपुर बम कांड में जो है 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से ये एक व्यक्ति थे, अलीपुर बम कांड याद रखना है। उसके बाद इनका केस जो है चित्रंजन दास ने लड़ा था जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, उन्होंने जो है इनका केस लड़ा और फिर इनको रिहाई दिलाई गई, और फिर इनका मन जो है ये आज़ादी गुलामी, और फिर देखो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे, स्पिरिचुअल लीडर कहने का मतलब है आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। इनका मानना था कि आप अपने मन के गुलाम हो, किसी के व्यक्ति के गुलाम नहीं हो, तो फिर ये जो है स्पिरिचुअलिटी वगैरह में चले गए और पुडुचेरी में ओरोविलो आश्रम की इन्होंने जो है जो आश्रम था इसकी स्थापना करी, और वहीं पे ये भाषण वगैरह जो उपदेश वगैरह है वो देना इन्होंने शुरू कर दिया, कहाँ पर, ओरोविलो आश्रम में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलहाल जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? पहले आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में ये बात बता दी है, इसका सीधा जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और इनकी मृत्यु के बारे में भी मैंने आपको बताया था 1 अगस्त 1920 को, जब भारतीय राष्ट्र जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था उसी ठीक इसी दिन इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इनकी मृत्यु हो जाती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी भी ये अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये याद रखना है आपको। और 1921 में सारे नेताओं को जेल वगैरह में, ये असहयोग आंदोलन के कारण सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो 1921 में गांधी, जवाहरलाल नेहरू सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो 1921 में
हकीम अजमल खान जो कि अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था वहां पे ये जो है अध्यक्ष बने थे। और याद रखिएगा नायडू ने, एक और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरोजनी नायडू ने जो है सी आर दास का भाषण पढ़ा था। सी आर दास अध्यक्ष थे लेकिन ये जेल में थे, इस वजह से जो है इनका भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था, ठीक है। और सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। पहला जो प्रथम महिला है उनका नाम है एनी बेसेंट। फिलहाल आगे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? ये बात जो है फिर से एक बार आपका आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है ये बातें कही थी। इनका कहना था कि स्वराज मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। इनके द्वारा एक और बात कही गई थी कि बेटा जो है जवान हो जाता है तो वक्त का तकाजा है कि आपको जो है पालक या फिर जो है पिता को जो है उसके हक को दे देना चाहिए। तो भारत के संदर्भ में बेटे का रेफरेंस लिया गया था और पालक यानी कि पिता के तौर पर अंग्रेजों का रेफरेंस लिया गया था और आज़ादी देने की बात की गई थी। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। इनके द्वारा दो पत्रिकाएं निकाली जाती थी, मराठा जो कि इंग्लिश में होता था, इंग्लिश मीडियम में, और केसरी जो कि मराठा मीडियम में हुआ करता था, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखना है। और इन्हीं दो 1908 में देखिए इनको जेल पहुंचाया गया इन्हीं दो पत्रिकाओं की वजह से, और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी लाया गया था, मांडले जेल में इनको भेजा गया था। अगला सवाल, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? देखिए बड़ा ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है। वैलेंटाइन सिरोल कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारतीय असंतोष के पिता यानी कि बाल गंगाधर तिलक को कभी जो है संतोष सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। और याद रखिएगा 1908 में जब इनको मांडले जेल में जो है डाला गया तो ये 6 साल के बाद 1914 में ये रिटर्न हुए और 6 साल की सजा इन्होंने काटी। और 6 साल के सजा काटने के बाद ये चुपचाप नहीं बैठे अंग्रेजों के डर से, इन्होंने होम रूल की जो है स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना करी। और फिर और एक और बात याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल की स्थापना करी थी अलग अलग जगहों पे। होम रूल के द्वारा ही जो है नरम दल और गरम दल जो कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए थे, फिर से 1907 में एक्चुअली, और फिर 1916 में दोनों को मिला दिया गया, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों ने जो है हाथ मिला लिया और सारे पुराने गिले शिकवे को जो है भूलना इन्होंने जो है कबूल कर लिया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एक्चुअली आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देखिए 1912 में आपको जो है अधिवेशन देखने को मिलेगा बांकीपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा? बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मुधोलकर, याद रखिएगा नाम ये, रंगनाथ मुधोलकर जो है, रंगनाथ मुधोलकर के द्वारा जो है इसकी, मुधोलकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। पहला 1912 में 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये रहा बांकीपुर, डी का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 37वां अधिवेशन भी यहीं पे हुआ था, कहाँ पर? गया में, यानी कि बिहार में ही हुआ था 27वां अधिवेशन। और सी आर दास यहाँ पे क्या थे? सी आर दास जो है थे यहाँ पे अध्यक्ष थे। पहला 27वां अधिवेशन रंगनाथ मुधोलकर, दूसरा 37वां जो कि गया में सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, और 53वां जो कि बिहार का जो है तीसरा था जो कि बिहार में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, ये वर्तमान में झारखंड में पड़ता है जिसका नाम है रामगढ़। और रामगढ़ में जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, याद रखिएगा रामगढ़ से ही जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो रामगढ़ में भी जो है अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मौलाना सैयद इमाम, ये भी याद रख लेना है आपको। सॉरी एक्चुअली ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओगे। 1908 में बिहार, ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था 1908 में और सर सैयद इमाम जो है यहाँ पे अध्यक्षता इन्होंने करी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी पहली बार? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सैयद इमाम का नाम, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इमाम, सैयद इमाम इज द राइट आंसर। फिलहाल आपसे पूछा गया है कि 27th, तो 27th आपको बांकीपुर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने
किस दल के टिकट पर चुनाव जीता। तो देखिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको मैंने दो तीन चीजें पढ़ाई है, इनको ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अच्छी बात है, ओल्डमैन कहा जाता है इनको। दूसरी बात, इन्होंने तीन कांग्रेस के अलग अलग जगहों की अध्यक्षता करी थी, पहला सी कोलकाता, दूसरा लाहौर, फिर कलकत्ता, CLC ये याद रख लेना है। कब कब करी थी फिर से मैं बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 1886 में इन्होंने जो है पहला किया था अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरी बार इन्होंने 1893 में करी थी, और तीसरी बार इन्होंने जो है कब करी थी तो 1906 में करी थी। 1906 में तीन बार इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और इनके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल भी लिखा गया है, धन का निष्कासन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो उन बुक को लिखते जाइएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने चुनाव जीता है, कहाँ पर जाकर, इंग्लैंड में जाकर। तो इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अब पूछा गया किस दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उदार पार्टी, यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पे इन्होंने जो है चुनाव जीत लिया था। अब एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जो है कहाँ के, देखो एक्चुअली क्या है भारत में जो है आपको लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये तो पार्टी आपने बता दी, किस हाउस के लिए चुने गए थे, तो याद रखिएगा हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, हाउस ऑफ कॉमन के ये जो है क्या थे, सदस्य थे लिबरल पार्टी के या फिर उदारवादी पार्टी के। अगला सवाल देखिए, भारतीय समाज को एकत्रित करना, जनता में देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से गणेश चतुर्थी और शिवाजी त्यौहार को मनाना आरंभ किसने किया। याद रखिएगा पहले अंग्रेजों ने जो है क्या किया कि आप अंग्रेजों का विरोध ना करो, इसके लिए इन्होंने क्या काम किया कि कहा दिया गया कि चार से ज्यादा लोग एक जगह पे जो है एकत्रित नहीं हो सकते हैं, शादी और धार्मिक अनुष्ठान को छोड़कर। तो इसी लूफॉल को, इसी जो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, इसी को इन्होंने पकड़ा, और गणेश चतुर्थी धार्मिक आयोजन, शिवाजी त्यौहार धार्मिक आयोजन, और इसी धार्मिक आयोजन को ये मना रहे थे, लेकिन असली मकसद इनका क्या था, आज़ादी। असली मकसद क्या था, आज़ादी। ये बैठकों का आयोजन करते थे, इसी के आड़ में, धर्म के आड़ में अच्छा काम करना अच्छी बात होती है, तो इन्होंने जो है इसका काम किया। और फिर तिलक ने जो है यहाँ पे, एक्चुअली इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण, सॉरी ये नहीं तिलक, कहाँ मैं बोला जा रहा हूँ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश चतुर्थी और शिवाजी त्यौहार मनाना शुरू किया, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ये याद रख लेना है आपको। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि क्या है, महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, और हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखिएगा, यही वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का सबसे पहली बार जो है इस्तेमाल किया था। स्वदेशी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका जो है इस्तेमाल किया था। अगला सवाल देखते हैं क्या है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। देखिए भारतीय महिला नहीं लिखा है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, एनी बेसेंट। चलिए होम रूल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी साउथ वाले क्षेत्र में, तो फिलहाल इसका आंसर एनी बेसेंट होगा। लेकिन किस अधिवेशन में सवाल पूछ दिया गया है, तो देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक ले देता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा ट्रिक है। तो ट्रिक याद रखना है आपको, हर 8-8 साल में जो है महिला यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी, तीन महिला अध्यक्ष, ठीक है। पहली बार कब भैया, 1917 में, 1917 देखो ऑप्शन है क्या, ये नहीं है, इसे कट कर दो, दूसरे को कट कर दो, तीसरे को कट कर दो, कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पे एनी बेसेंट जो है यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1925 में सरोजिनी नायडू को यहाँ पे जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बार जो है, फिर आप यहाँ पे 8 साल ऐड करते जाओगे, 8 अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 1933 में अगली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। फिलहाल जो पूछा गया है आपसे सवाल, देखो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे, गर्म दल और नरम दल क्या हुए थे, मर्ज हो गए थे। और यहाँ पे सिर्फ लखनऊ अधिवेशन में ये दो बातें नहीं हुई थी, एक और बात हुई थी, मुस्लिम लीग का भी जो है यहाँ पे मर्जर हुआ था। तो इन चीज़ों को याद रखना है, तीन अलग अलग बातों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विजय राघवाचार्य ने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सवाल है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कब हुआ था, 1920 में। और इसी समय जो है आपको देखने को क्या मिलता है, असहयोग आंदोलन,
क्या देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन भी इसी समय देखने को मिलता है। प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन भी यहीं पे किया गया था, ठीक है। अब देखिए भागलपुर, जो एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 12वां अधिवेशन ये होता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो कि असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे कहाँ से, बिहार से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो देखिए एकमात्र अधिवेशन वो हुआ था 1924 में बेलगांव, कहां पे हुआ था, बेलगांव। अब मैं एक मिनट, ऑप्शन था मैंने क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं, खैर। तो देखिए यहां पे देखेगा आपको बेलगांव ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहां है, कर्नाटका में है। कहां पे है, कर्नाटका में है। और याद रखिएगा गांधी जी एकमात्र अधिवेशन था यहीं पे जहां पे इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कहां पर, 1924 में। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस यहां पे कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और 1939 में भी यहां पे ये अध्यक्षता करते हैं, लेकिन 1939 में गांधी जी के साथ इनका मतभेद हो जाता है जिस वजह से ये इस्तीफा दे देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे और दूसरी तरफ पट्टा भी सीतारामैया को गांधी जी ने जो है सपोर्ट किया, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और गांधी जी पट्टा भी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताते हैं और फाइनली वो बोलते हैं कि ये मेरी हार है, और गांधी जी सहयोग नहीं करते हैं सुभाष चंद्र बोस का। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं और वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो फिलहाल इसका अध्यक्षता जो है कांग्रेस के द्वारा जो है महात्मा गांधी ने कब करी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैच करना है आपको, क्या करना है, मैच करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से आप देख लो क्या पूछा गया है, सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सरोजिनी नायडू ने कानपुर में 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, तो एक का क्या हो जाएगा, सॉरी सी का क्या हो जाएगा, सी का टू हो जाएगा, सी का टू हो जाएगा। अब यहां पर कोड दिया गया है कि कौन सा कोड जो है, एक मिनट वेट अ मोमेंट, अच्छा ए का कौन सा होगा, ये कोड मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक्चुअली मिलाना कैसे है इसे। ओके ओके ओके, ए को जो है किससे मिलाना है, बी को किससे मिलाना है, सी को किससे मिलाना है। ऑल राइट मैं समझ गया। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, सी का कौन सा आंसर है, सी का आंसर है टू, सी का आंसर है टू, ठीक है। और ए का आंसर क्या है, एम ए अंसारी जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर नंबर, नासिक के ये अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो ये हो जाएगा ए का फोर, ए का फोर कहाँ है, ए का फोर, सी का टू, तो बी का क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है, एक मिनट, पुरुषोत्तम दास टंडन एक मिनट, एक्चुअली ये हौचपच हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि इसे छोड़ दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की है। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता की है, सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पिता पुत्र की जोड़ी जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो मोतीलाल नेहरू भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे शामिल हैं। और रामगढ़ 1937 के अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने थी, तो मौलाना अबुल कलाम, ये याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अब जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए सुभाष चंद्र, एक्चुअली मैं बार बार सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को जो है इन्होंने कहा कि ये जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने जो है रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया और 26 जनवरी को कहा कि हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। याद रखिएगा 26 नवंबर को ही हम लोगों का जो है 1949 को संविधान तैयार हो जाता है, लेकिन हम लोग उसे 26 जनवरी 1950 को इसी के कारण से हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल या फिर अगला क्वेश्चन जो भी आप समझो ये रहा, दादा भाई नरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है इनकरेक्ट है, असत्य है। देखिए ये पूछा गया है आपसे, इनकरेक्ट पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है,
तो देखिए, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि वो भौतिकी और गणित के प्रोफेसर थे। बिल्कुल सही बात है, ये तो सच बात है। आपसे असत यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि लिबरल पार्टी के टिकट से हाउस ऑफ कॉमन्स के ये क्या बनाए गए थे, सदस्य बनाए गए थे। दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राबतार गोपतार की जो है शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात, ये भी ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, उन्होंने दो बार दो बार नहीं, मैं तो बार बार आपको बता रहा हूं, CLC कोलकाता लाहौर, और तीसरा जो है कोलकाता की अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहला 86 में इन्होंने की थी, दूसरी बार इन्होंने जो है 93 में की थी, 1893 में, और आखिरी बार 1906 की जो है कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दो बार नहीं बल्कि तीन बार इसका सही आंसर होना चाहिए। खैर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी के साथ आपको आगे बढ़ना था। देखिए, अगर आपको इसी तरह से मैंने जो अभी आपको 24-25 क्वेश्चन कराए हैं, आपको अगर लगता है कि इसी तरह से कोई और भी जो है सीरीज चलाई जाए जो कि आपको पसंद आए और आप पढ़कर जो है अच्छा से एग्जाम क्रैक कर पाओ, तो पार्ट टू नीचे लिखिएगा। मैं भी समझ जाऊंगा कि वीडियो आपने यहां तक देख ली है, पसंद आया है आपको, तो आप पार्ट टू लिखिएगा। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी रिगार्डिंग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे कमेंट करके आप लिखोगे जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसे जो है शेयर जरूर करते हैं। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, एग्जाम है आपका, फिर भी आप इतना काम तो कर ही सकते हो गुरुदक्षिणा के तौर पर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साझा करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।